हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेंडोकल टैबलेट्स के बारे में। ये जो टेंडोकल टैबलेट्स हैं, ये किन कंडीशन में यूज़ की जाती है, इस टैबलेट के क्या यूज़, क्या डोज, क्या वर्क और क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो टेंडोकल टैबलेट है, इसको मेडिकल हेल्थ केयर कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। इसकी आपको एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी, जो कि कुछ इस तरह से आती है। और इसके एक स्ट्रिप के प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट में 99 रुपीस में मिलेगी। और दोस्तों, इसमें कंटेंट की बात करें तो इसमें सिंगल कंटेंट कैल्शियम एस्पार्टेट इनहाइड्रोस, जो कि 1120 mg इसमें पाया गया है। ब्रांड नेम की बात करें तो दोस्तों, ये आपको अजॉर्ब टैबलेट के नेम से, मैकजॉर्ब टैबलेट के नेम से मिल जाएगी। आप किसी भी ब्रांड नेम की ये जो टैबलेट है वो ले सकते हैं। इसमें जो कंटेन है वो सेम ही रहेगा। अब जान लेते हैं दोस्तों, इन टैबलेट के क्या यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, डॉक्टर ये जो टैबलेट है पेशेंट को किन कंडीशन में प्रस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, ये जो टेंडोकल टैबलेट है एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। जिन लोगों के ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है, कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो उन्हें ये टैबलेट प्रस्क्राइब की जाती है। ये लोगों की बोन्स को हेल्थी स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे इसका यूज़ फर्स्ट ओस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, बहुत नाजुक हो जाती है, उनके टूटने का डर हमेशा लगा रहता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। सेकंड, इसका यूज़ क्रॉनिक एथराइटिस में, इसमें जोड़ों में सूजन, अकड़न, दर्द होने लगता है, जोड़ों को पूरी तरह से मोड़ने या फिर सीधा करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी इस कैल्शियम टैबलेट का यूज़ करते हैं। थर्ड, इसका यूज़ ओस्टियोमलेशिया और लेग्स में अगर क्रैम्प्स पड़ रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। और लो बोन डेंसिटी में, मीनिंग जो फ्रैक्चर बोन होती है और जो टूटी हुई हड्डियां होती हैं, उनको ये बहुत ही जल्दी हील करने में हेल्प करती है। और दोस्तों, इसका यूज़ फाइब्रोमलेजिया में भी किया जाता है, जिसमें नसों में दर्द, चुभन जैसे फील होता है, शरीर कमजोरी होने लगती है, थकावट होती है, तो उसमें भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और कई बार इस टैबलेट को प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स में भी यूज़ किया जाता है। और भी इसके फ़ायदों की बात करें तो मांसपेशियों के कार्यों में सुधार करने के लिए, हृदय ताल को मजबूत रखने के लिए, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस के स्तर को बनाए रखने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। ओवरऑल की बात करें तो दोस्तों, ये जो टेंडोकल टैबलेट है, ये एक तरह का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसको अपने डॉक्टर की एडवाइस से ले सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, इसकी डोज के बारे में। फर्स्टली तो दोस्तों, इसकी जो डोज है, डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन, उसके वेट और उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानकर फिर प्रिस्क्राइब करते हैं। बट इसकी जो नॉर्मल डोज है वो 1 टैबलेट रहती है, वो भी रात को खाना खाने के बाद आपने सोने के टाइम लेना है। और आपने इस टैबलेट को गुनगुने पानी या फिर गुनगुने दूध के साथ इसको ले सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे पेशेंट को गैस, कब्ज, मतली, उल्टी या फिर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इस टैबलेट को लेना बंद कर दें। और दोस्तों, प्रिकॉशंस की बात करें तो जिन पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम है या फिर किडनी में स्टोन है, वोन ट्यूमर हो गया है या फिर हार्ट की किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर की एडवाइस से इसका यूज़ करें। तो दोस्तों, ये तो थी टेंडोकल टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।